यदि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। ये आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2020, यानी ये प्री बोर्ड परीक्षा 2020 का पेपर है, कक्षा 10 का हिंदी का, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और 2020 में ये वाले क्वेश्चन में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो एग्जाम में, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 80 नंबर का आपके पूछा जाता है पेपर। 80 नंबर का आपके पेपर आने वाला है और इसमें सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं, और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो प्रश्नों के सामने अंकित है। यानी इस बोर्ड पेपर को यदि आप पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम 2020 में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो खंड ए की हम बात करें, जो पहला पार्ट है आपके, उसमें आपके पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से उनके आंसर देने हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे प्रस्तुत गद्यांश है उसका उचित शीर्षक लिखना है, पहला क्वेश्चन तो ये दिया गया है इसमें। और दूसरा है, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा होने की अधिकतम योग्यता रखती है और क्यों। और तीसरा है, किसी भाषा के राष्ट्रभाषा होने के लिए उसमें सबसे अधिक किस गुण का होना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके आ सकते हैं एग्जाम में। और दूसरा है आपके, दूसरा क्वेश्चन आपके पद्यांश का आएगा, निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो तीन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं, और ये भी आपके चार नंबर का आएगा, ये पद्यांश भी आपके चार नंबर का आएगा। उसके बाद में हम खंड ब की बात करते हैं, खंड टू की बात करते हैं। तो खंड टू में आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आने वाला है, वो क्या आएगा। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो मैं निबंध काफ़ी सारे आपको इसमें बताने वाला हूँ, काफ़ी सारे मोस्ट हैं, और इनमें से आपको यदि आप ये चार निबंध अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एक निबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम 2020 में पूछा जा सकता है, और वो कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वन बचाओ वाला है, ये आप अच्छे से तैयार कर लो, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2020 में मिल जाएगा, और 8 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है निबंध। तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 8 नंबर ज़्यादा होते हैं और आपको अच्छे मार्क्स आपके गेन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, श्रीमान पुस्तक भंडार नादोती को एक पत्र लिखना है जिसमें पुस्तकों का सूची पत्र और कमीशन आदि की जानकारी दी गई हो, और अथवा में क्या दिया गया है, अपने आप को गणेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल कूद सुविधाएं बढ़ाने तो एक पत्र लिखना है। तो एक पत्र आपको जरूर तैयार करना है, इम्पोर्टेंट है, चार नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो चार नंबर आपको अच्छे से बनाने हैं। और उसके बाद में खंड तीन, तो इसमें आपके व्याकरण आएगी, अब ग्रामर का जो पोर्शन है वो आने वाला है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपके, क्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। दूसरा है, कारक की साधारण परिभाषा लिखनी है, यानी कारक को, कारक है उसकी परिभाषा लिखनी है और उसके उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद में काल कितने भेद होते हैं उनको लिखना है। समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में 13 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, यह प्रणाली बदलना है और दही बहुत खट्टी है, तो ये दोनों वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। 14वां प्रश्न आपके, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखने हैं, आँखों में धूल झोंकना, और दूसरा ईद का चांद होना। उसके बाद में 15वां प्रश्न है, ऊँट के मुँह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना भी आना चाहिए। और 16वां आपके, वाच्य किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा आपको अच्छे से लिखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खंड चार है, जो लास्ट जो पोर्शन है उसमें क्या आने वाला है, तो पहला क्वेश्चन आपके व्याख्या का आएगा, सहप्रसंग व्याख्या आपको आनी चाहिए, और 6 नंबर की आएगी एग्जाम में, तो ये 6 नंबर आपको बनाने हैं और छोड़ना नहीं है। और इसके अथवा में एक आपके जो पद्यांश वाली है और एक गद्यांश वाली है, तो गद्यांश और पद्यांश वाली दोनों ही पद्यांश की है, सॉरी इसमें दोनों ही पद्यांश की है, तो इसमें एक आनी चाहिए आपको। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपको गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो दो देर की इन दोनों में आपको एक गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, लेकिन आपको दोनों ही तैयार करने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उसके बाद में बुक के जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो वाले क्वेश्चन है, उधो मन माने की बात, गोपियों ने उद्धव से ऐसा क्यों कहा,
और इसके अथवा में क्या दे रखा है, प्रभोस कविता के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार लिखने हैं। और 20 वाला क्वेश्चन दिया गया है, ईर्ष्या और निंदा में क्या संबंध है, और यदि ईर्ष्या न होती तो निंदा का क्या होता, सोचकर उत्तर बताना है। और 21 वाला इसमें दे रखा है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा दिया, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी ये बुक के क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से आने चाहिए। 22 वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके, और 23, 24 ये सब आपको आने चाहिए। और 25 वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, आप देख सकते हैं हामिद के चरित्र की 3 विशेषताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने करा रखा है, इसका आंसर भी मैंने करा रखा है, तो वो वाला आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ आप जाकर उनको अच्छे से देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, संत पीपा के गुरु कौन थे, और ये सारे आने चाहिए आपको अच्छे से। और 31 वाला प्रश्न है, इसमें निम्न रचनाकारों का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है, जो इस बार 2020 के एग्जाम में भी आने वाला है, तो दोनों के आप तैयार कर ले, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो दोनों ही आपको अच्छे से तैयार करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है एग्जाम में, निम्नांकित जो यातायात संकेत है उनका अर्थ लिखना है, यानी रोड सेफ्टी का क्वेश्चन आने वाला है, इसमें जो ये संकेत दिए गए हैं, ये वाला और ये दोनों, तो इनका क्या अर्थ है, ये अर्थ आपको अच्छे से लिखना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।